आप सभी बच्चों का हिंदी की कक्षा में स्वागत है। मैं राकेश चौधरी, हिंदी शिक्षक गुरुकुल कुरुक्षेत्र, आपके समक्ष दसवीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग दो के काव्य खंड का प्रथम पाठ सूरदास के पद लेकर उपस्थित हुआ हूँ। सूरदास के ये चार पद सूर सागर के भ्रमर गीत से लिए गए हैं। सूर सागर सूरदास की ख्याति का मुख्य आधार है। आइए कवि के बारे में जाने। सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी में रेणुका क्षेत्र में हुआ। ये मंदिर में भजन कीर्तन करते थे, जिसके कारण की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। सूरदास जन्म से नेत्रहीन थे या बाद में नेत्रहीन हुए, इसके निश्चित प्रमाण नहीं मिलते। सूरदास महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य थे। सूरदास के तीन ग्रंथ सूरसागर, साहित्यलहरी और सूरसारावली हैं, लेकिन सूरदास की ख्याति का मुख्य आधार सूरसागर ही है। सूरदास की मृत्यु 1583 ईस्वी में पारसोली में हुई। प्रथम पद। उद्धो तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेही तगाते, नाहिन मन अनुरागी, पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देहि न दागी, ज्यो जल महा तेल की गागर, बूंद न ताको लागी, प्रीति नदी में पाव न बोरायो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी, गुर चींटी जो पागी। भावार्थ देखिए इसका। हे उद्धव, तुम सचमुच में बड़े ही भाग्यशाली हो, क्योंकि तुम प्रेम के बंधन से हमेशा दूर रहे हो। तुम प्रेम के आकर्षण को जानते ही नहीं, तुम्हारा मन कृष्ण के प्रेम में कभी लीन नहीं हुआ। तुम जल में रहने वाले कमल के पत्ते के समान हो, जो पानी के भीतर रहकर भी पानी के दाग धब्बों से अपने आप को सुरक्षित रखता है। जिस प्रकार कमल के पत्ते पर पानी की बूंद नहीं ठहरती, उसी प्रकार तुम भी कृष्ण प्रेम का कोई तुम्हारे ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता। जिस प्रकार पानी की मटकी में तेल की बूंदें रहती हैं और जो पानी में रहकर उससे प्रभावित नहीं होती, उसी प्रकार तुम कृष्ण के साथ रहते हुए भी हमेशा उससे अछूते ही रहे हो। कृष्ण को प्रेम को तुमने अपने मन पर आने ही नहीं दिया, अर्थात कृष्ण के प्रेम में तुम पड़े ही नहीं। तुम आज तक प्रेम रूपी नदी में कभी उतरे ही नहीं, अतः तुम ना तो रूप पारखी हो, ना प्रेम के प्रभाव को जानते हो। तुम्हारी दृष्टि कृष्ण के सौंदर्य पर आसक्त नहीं हुई है। केवल हम भोली भाली अबला गोपियां हैं, जो कृष्ण के रूप सौंदर्य से इस प्रकार लिपट रही हैं, जैसे चींटियां गुड़ के प्रति आकर्षित होकर उसमें लिपटती हैं और बाद में गुड़ से अलग नहीं हो पाती और अपने प्राण को त्याग देती हैं। तो गोपियों यहाँ पर वक्रोक्ति के द्वारा उद्धव पर व्यंग्य करती हैं कि वस्तुतः भाग्यहीन है वह जो कृष्ण के साथ रहकर भी उनके प्रेम से वंचित है। इस संपूर्ण पद में उपमा, दृष्टांत, रूपक उत्प्रेक्षा, अनुप्रास अलंकारों की छटा जो है वो दर्शनीय है और साहित्यिक ब्रजभाषा का इन पदों में प्रयोग किया गया है। आइए दूसरा पद देखें। मन की मन मांज रही, कही जाई कौन पे उधो, नाही परत कही, अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही, अबिन जोग संदेशन सुनी सुनी, बिरहनी बिरह दही, चाहती हुती गुहार जीते हीते, उत्ते धार भई, सूरदास अब धीर धरी क्यों, मर जादा न ले। इनकी व्याख्या देखें। हे उद्धव, कृष्ण से मिलने की हमारी अभिलाषा मन में ही रह गई है। हमें तो आशा थी कि कृष्ण जल्दी ही ब्रज में आएंगे और हमें दर्शन देंगे। तुम्हें बताओ, अब किससे अपने व्यथा जाकर कहें? कृष्ण के प्रेम की गहराई की बात हमसे कहीं नहीं जाती, अब हम उन बातों को किससे कहें? हम तो अपने मन की बातें कृष्ण को ही कहना चाहती हैं, लेकिन हम किसके सामने इन बातों को प्रकट करें? कृष्ण के आने की अवधि को आधार बनाकर हम तन मन की व्यथा को सहन करती हैं। आवन आवन का अर्थ है आगमन, आधार का अर्थ है सहारा, यानी अब तक हमारा जो जीने का आधार था, सहारा था कि कृष्ण हमसे मिलने के लिए आएंगे और हम उन्हें अपने तन और मन की व्यथा को, पीड़ा को उनके सामने व्यक्त करेंगे। तो इस आशा के सहारे ही श्री कृष्ण से हमारी भेंट थी होगी, हम अपना जीवन व्यतीत कर रही थी, लेकिन तुम्हारे मुख से इस योग के संदेश को सुनकर
हम ब्रज की विरहणीय गोपियां विरह दशा में और अधिक जलने लगी हैं। जिधर भी हम इस विरह की आग से बचने के लिए पुकार लगाती हैं, उधर से ही विरह अग्नि की तीव्र लपटें जलाने लगती हैं। यानी कहने का भाव क्या है कि हम श्री कृष्ण से मिलने के लिए विरह की आग में जल रही हैं, परंतु तुम्हारा यह योग ज्ञान का जो संदेश है इसको जानकर हमारी व्यथा जो है और अधिक बढ़ गई है। और अंत में गोपियां क्या कहती हैं? गोपियों ने उद्धव से कहा कि हम किस प्रकार धैर्य का पालन करें, क्योंकि कृष्ण ने ही अपनी मर्यादा का उल्लंघन किया है, अर्थात वे कृष्ण ने ही अपने वचनों का निर्वाह जो है नहीं किया। तो गोपियां इस पद में विरह व्यथा का बड़ा ही मार्मिक चित्रण करती हैं और अनुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकारों के द्वारा विवियोग श्रृंगार का सुंदर वर्णन जो है यहाँ पर किया गया है। आइए तीसरे पद की व्याख्या को देखें। हमरे हरि हरियल की लकड़ी मन क्रम वचन नंद नंदन उर यह दृढ़ करी पकड़ी जागत सोवत सोपन दिवस निसी कान्हे कान्हे जकरी। कान्हा कान्हा में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। सुनत जोग लागत है ऐसो जो करई ककरी। करई ककरी इसमें उपमा अलंकार। सूतो व्याधि हमको ले आए देखी सुनी न करी यह तो सूर तिन्ही ले सौंपो जिनके मन चक्री। चक्री का मन चक्री का अर्थात क्या अर्थ है? स्थिर ना हो जिसका मन। तो आइए इनकी व्याख्या देखें। हे उद्धव, हमारे लिए तो श्री कृष्ण हरिल पक्षी की लकड़ी के समान है। जिस प्रकार हरिल पक्षी अपने पंजों में लकड़ी दबाकर उसके सहारे आकाश में उड़ता है, उसी प्रकार से हमने मन वचन कर्म से नंद के पुत्र श्री कृष्ण को दृढ़ता पूर्वक अपने हृदय में धारण किया। अर्थात कहने का अभिप्राय क्या है कि हम मनसा वाचा और कर्मणा तीनों ही तरीकों से व्यवहार से श्री कृष्ण से प्रेम करती हैं। जागते हुए सोते हुए तथा स्वप्न में दिन रात हमें कृष्ण की ही रट लगी रहती है। भाव यह है कहने का कि कृष्ण के प्रति हमारा एक निष्ठ प्रेम था और तुम्हारे मुख से योग की बातें सुनकर हमें जैसे लग रहा है कि जैसे कोई कड़वी ककड़ी हमने खा ली हो। तुम्हारा ये निर्गुण ज्ञान कड़वी ककड़ी के समान तेज्य है। तुम तो हमारे लिए ऐसा रोग लेकर आए हो जो कभी ना तो देखा है, ना सुना है और ना कभी भोगा है। अंत में गोपियां उद्धव से कहती हैं कि निर्गुण ज्ञान का यह संदेश उन्हीं को जाकर दो जिनका मन भटका हुआ है। यानी हमारा मन तो गोपियां कहती हैं स्थिर है, अस्थिर मन वालों को जिनका मन चक्री के समान अस्थिर रहता है, ऐसे लोगों को जाकर इन निर्गुण ज्ञान का संदेश तुम भेजो। तो कवि ने यहाँ पर गोपियों के अनन्य प्रेम की ओर संकेत किया है और उनके प्रेम एवं निष्ठुर और एक निष्ठ सुदृढ़ प्रेम को वो जो है कभी भी छोड़ना नहीं चाहती। पुनरुक्ति और उपमा अलंकारों की छटा दर्शनीय है। आइए चौथा पद देखें। हरि है राजनीति पढ़ी आए समझी बात कहत मधु करके समाचार सब पाए इकति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए उद्धो भले लोग आगे के परहित दौलत धाए अब अपने मन फेर पाइये चलत जो हुते चुराए ते क्यों नीति करे आपुन जे और अनीति छुड़ाए राज धर्म तो यह सुर जो प्रजा ना जाही सताए। क्या कहती हैं गोपियां इस पद में? भावार्थ देखिए। गोपियां कहती हैं कि हे सखी, अब श्री कृष्ण ने राजनीति शास्त्र में प्रवीणता प्राप्त कर ली है, अर्थात वे कुशल राजनीतिज्ञ बन चुके हैं, इसलिए वे हमारे प्रेम के उत्तर में छल का कपट का प्रयोग कर रहे हैं। भ्रमर रूपी उद्धव ने जो निर्गुण रूपी ज्ञान की बातें कही हैं, वह तुम्हारे तो समझ में नहीं आई। इन बातों से तुम्हें कृष्ण के बारे में कोई समाचार मिला है? कृष्ण तो पहले ही बड़े चालाक थे, अब उन्हें राजनीति का महान ग्रंथ पढ़ लिया है, अर्थात वो राजनीतिक शास्त्र में प्रवीण हो गए हैं। हमसे प्रेम करके कृष्ण मथुरा जाकर बैठ गए हैं और अब ब्रज में ना आकर योग साधना का संदेश भेज रहे हैं। हमने उनकी बुद्धि की प्रवीणता को जान लिया जो वे नारियों के लिए ये योग का संदेश भेज रहे हैं। अब गोपी उद्धव को संबोधित करते हुए कहती हैं कि हे पहले के जमाने के जो लोग थे, यानी उद्धव भले लोग आगे के इस पंक्ति के माध्यम से गोपियां व्यक्त कर रही हैं, परहित दौलत धाय, यानी पहले जमाने के जो लोग थे बड़े सज्जन होते थे,
दूसरों के लिए यहां वहां दौड़ते फिरते थे। हे उद्धव, तुम हम अबलाओं को सताने के लिए योग का संदेश लेकर हमारे पास आ रहे हो। हम तो कृष्ण से इतना चाहती हैं कि वो मथुरा जाते समय जो हमारा मन चुरा कर अपने साथ ले गए थे, वे हमारा मन वापिस कर दें, क्योंकि कृष्ण से भी नीतिपूर्ण कार्य की आशा नहीं की जा सकती। वो दूसरों की नीति को छुड़ाने में लगे हुए हैं, ना तो वो स्वयं न्यायपूर्ण आचरण कर रहे हैं और ना ही न्यायपूर्ण आचरण हमें करने दे रहे हैं। वे हमारी प्रेम निष्ठा को भी भंग करना चाहते हैं। तो अंत में क्या कहते हैं, देखिए सूरदास जी कहते हैं कि उस गोपी ने अन्य गोपी से कहा कि राजा का क्या धर्म है। राजधर्म की भी देखिए गोपियां यहाँ पर शिक्षा दे रही हैं कि राजा का धर्म होता है वह प्रजा को कष्ट ना दे, परंतु कृष्ण कुब्जा का प्रेम पाने के लिए हमारे प्रेम को छोड़ना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने हमारे लिए योग ज्ञान का ये संदेश भेजा है। तो इस पद में गोपियों ने कृष्ण को अन्यायी, स्वार्थी और कुटिल राजनीतिज्ञ का घोषित करने का या सिद्ध करने का उन्होंने प्रयास किया है, और राजा का धर्म प्रजा का पालन करना है, ना कि प्रजा को दुख देना। भ्रमर गीत के अंतर्गत गोपियां प्रेम में निमग्न भक्ति के प्रतीक हैं, जो मनुष्य रूप में साकार भगवान श्री कृष्ण के प्रति पूरी तरह समर्पित हैं। सूरदास ने उद्धव की निर्गुण भक्ति पर गोपियों की सगुण भक्ति की विजय को प्रतिबिंबित करने के लिए निर्गुण भक्ति की अपेक्षा सगुण भक्ति को श्रेष्ठ बताने के लिए भ्रमर गीत की रचना की थी। इन चारों पदों की व्याख्या भावार्थ मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किया। आशा है आप सभी को समझ में आ गया होगा, इससे आप अपने ज्ञान में वृद्धि करेंगे। धन्यवाद।